इंदौर में एक एरिया है खजराना राइट उस एरिया का तो लगभग यही मान के चलो कि छोटा पाकिस्तान कहते कहा जाता था एक टाइम पर, खैर अब तो हाँ नहीं लेकिन कहा जाता था एक टाइम पर, तो पूरा राइट, माहौल ही ऐसा था। वहां पर अगर आप वहाँ स्ट्रिक्ट के होते मार्केट हो पूरे देखो तो ऐसा लगता है कि कि अब पाकिस्तान है। यहाँ तक कि कराची टू पाकिस्तान जो इंडियन मूवी थी उसका हाँ शूट भी उसी एरिया में हुआ ताकि फील हाँ आए कि पाकिस्तान है हाँ कराची टू पाकिस्तान कराची एक मूवी टू। थी अरशद वारसी की, उसकी शूटिंग उसी एरिया में हुई थी ताकि ऐसा लगे कि खजरा मतलब खजरा पाकिस्तान में ही पाकिस्तान मूवी में बनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस, दिस इज रेहान। एंड दिस इज साहिल। सो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं स्टोरी ऑफ कराची बर्गर। तो ये वीडियो है इरफान जुनेजो के चैनल से, उनका ही वीडियो है मतलब। तो कराची का बर्गर बिरयानी तो सुनी है, कराची की स्टोरी ऑफ कराची बर्गर आज हम देखने वाले। तो देखते हैं यार क्या है इसमें, कुछ स्पेशल है एक कराची का वो तो नहीं है चिकन वाला बर्गर, याद है अपन एक बार वो रिएक्शन किया था इस्लामाबाद वो वाला था। इस्लामाबाद का था। चलो देखते हैं आगे डिस्कशन करेंगे। हियर वी शुरू गो। है अच्छा द बेस्ट स्टोरीज आर लाइक बेस्ट एक बंद बर्गर। करा देना भाई। कबाब ये बर्गर मैकडोनल्ड्स या ऐसी जगह से अच्छे फ्रेश लग स्ट्रीट रहा है। वाले लगते हैं। बन काम आपको बरकर कर दिया सिद्दीक, बन काम आपको बरकर कर दिया। हमारी फैमिली जो है वो गरीब थी, घर वाले गरीब थे समझे, तो स्कूल पढ़ता था मगर स्कूल में भी मैं शैतान था, ठीक है ना, शैतानियाँ करके भाग जाता था, स्कूल पढ़ता ठीक नहीं है। था। मेरी तकरीबन उम्र 8 या 10 साल उम्र थी मेरी, तो फिर घर वालों ने मुझे जो है ना एक ठेले पे लगा दिया बर्गर वाले के, तो उस टाइम वो मुझे देता था तकरीबन 25 रुपये रोज के। कराची इटसेल्फ हैज अमेजिंग फूड, यू शुडंट क्रिटिसाइज इट फॉर नॉट हैविंग फूड और मिशलिन स्टार्स, यू नो इट्स ओके, वी स्टिल हैव अमेजिंग निहारी एंड बन कबाब एंड पाए एंड वी आर हैप्पी विद दैट। जो कराची के पास है हम उसी से खुश हैं। मसाला मसाला कार्बोहाइड्रेट क्या बात है। जी मेरा नाम शहजाद खान, कालाजर मियानी मार्केट मेहरान बेकरी के सामने गली के कोने पे हम लोग का मिर्ची वाला बन कबाब, अमीर अली बन कबाब। 50 55 60 साल हो गए इस दुकान को, हम लोग बच्चे बड़े हो गए इधर काम करते हैं। ये दाल आलू अंडा मिक्स होते हैं, दाल आलू की टिक्की होते हैं, ऊपर से अंडा लगते हैं, फिर ऊपर से हम लोग तला हुआ मिर्ची रखते हैं। क्या बात है, नया तरीका भैया। सही चीज़ है यार ये। तो 2004 में फिर मैं यहाँ आके जो है ना यहाँ बैठा रहता था, 15 20 दिन में बैठा रहा। मैंने बोला क्या करूँ, जो 12 महीने जो है ना मुझे खर्चा तो रोज़ चाहिए, 12 महीने मेरा काम चले। फिर ये सोच के जो है ना मैंने बर्गर का ठेला लगाया। मैंने बोला भूख तो लगती है आदमी को 12 महीने समझे, ये 12 महीने चलेगा कारोबार। सही है, 12 महीने हमारी मतलब बर्गर की हिस्ट्री कराची की बर्गर की हिस्ट्री में सिर्फ मिस्टर बर्गर था और वहीं से शुरू हुई थी कहानी और सब वहीं जाते थे, वही हिप जगह थी वहाँ की एंड दे एक्चुअली बॉट बर्गर्स टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम देयर इट जस्ट ओ वो पाकिस्तान पे और बर्गर इसकी लाए। हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑसम है, बहुत मज़ेदार। आप ज़रा इसको सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर किसी ने बनाया सॉर्ट ऑफ अ शेफ तो वो यूट्यूब ने बनाया है मुझे और गूगल ने बनाया। दोनों दोस्त थे, कभी सोचा नहीं था कि आज इस मुकाम पे बैठ के जो है हम लोग वो किसी एक बिजनेस के ओनर्स होंगे। लेकिन बेसिकली जो एक बेसिक पैटी हमें कुक करनी थी, एक बेसिक पैटी हमें बनानी थी, तो उसकी रेसिपीज वगैरह हम लोगों ने इस तरह से 80-90 डेज में जाके लॉक की। 1.5 ईयर की एक प्रैक्टिस थी जो हम प्रोडक्शन करते थे, नाम अच्छा रखा ना बर्गर और क्लॉक, हमने उसमें लॉक की। सी द हिस्ट्री गोज बैक 30 इयर्स, 30 years when my brother was in the US, being, you know, barbecue lover, so he
आई वुड से इंजीनियर्ड अ बर्गर। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं करता रहा समझे, इसके अंदर फिर मैं चेंजिंग लाता गया खुद से, जरूरी है चेंजिंग लाता गया, फिर जो अब मेरा मटेरियल है ना इस पे आवाम ने ओके किया समझे। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद मीट कमिंग फ्रॉम मीट वन, ठीक है, एंड देन वी हैड आवर फ्राइज कमिंग फ्रॉम बेल्जियम एंड ऑल दी कॉन्डिमेंट्स जो हैं आपके। ये गोल बागीची के पीछे बड़ा राशन का दुकान है, वहाँ से लेके आते हैं सारा मसाले मटर सब का, उधर से लेके आते हैं हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे, हमें नहीं पता था कि हम लोग जो मेन वेंडर्स हैं वो कैसे पकड़ेंगे। तो हम लोग जो हैं वो जाते थे सुपरमार्केट, जाते थे मेट्रो चले जाते थे, और गाड़ी भर के फिर मैं जो हूँ ऑफिस से अपने निकलता था जॉब से और सामान लेके आ रहा होता था। ये हमारा इधर नया बाद में एक दुकान है राशन वाले की, उससे 25-30 सालों के उनसे ले रहे ये दाल मसाले, पुराना दुकान है उनसे ले रहे, ये जो माल है ना तीनों दुकान एक साथ बन जाते हैं। एक रेसिपी ली पसंद नहीं आई, उसमें कुछ उन्होंने और इंग्रेडिएंट्स डाले और उसको सकुलेंट बनाया, उसको माउथ वाटरिंग और बड़ी की पैटी, उसमें चीज़ें सॉफ्ट जूसी और डिलीशियस बना के ना ही क्रिएटेड हिज ओन रेसिपी। आप गए सामान खरीद के लाए, सैंडविचेस बनाना शुरू किया। अच्छा सबसे पहले इसकी यही चीज़ अच्छी है खाना बनाने की चीज़ों में कि ये इसका कॉन्फिडेंस है, अगर मैं खड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, मतलब मेरा ये होगा कि मैंने शायद कम डाल दिया है काली मिर्च नमक, मुझे और डाल देनी चाहिए और मैं उस चक्कर में ज्यादा कर दूंगा। बट इसके पास जो है मैंने किया भी बहुत है, इसके पास जेन्युइन जेन इसके हाथ में है, मैंने देखा है एंड आई हैव फुल फेथ इन हिम कि ये कुछ बना रहा है ना, मुझे पता है यार ये अच्छा ही बनाएगा। सो आई फील लाइक अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल चेन्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड पीपल वुड ऑलवेज गो टू लाइक मैकडॉनल्ड्स या KFC, लाइक जब मैकडॉनल्ड्स लाइक नाजुबाद में खुला था तो हर कोई वहाँ पे पहुंचा हुआ था, बट आई फील लाइक इन रीसेंट टाइम्स लोकल बर्गर जॉइंट्स आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल, और उनके पास लाइक ये वाला एडवांटेज है दैट दे डोंट हैव इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ टू लाइक मेक अ बर्गर। सो यहाँ पे यू विल सी लाइक पीपल एडिंग चीटोज इन द बर्गर्स और देयर three different types of cheeses. International chains don't have that flexibility. Right. So I feel like local burger joints are really winning the burger war here. Yeah, abhi yahi hal hai. ये जो secret sauce की रेसिपी है ये मेरी अपनी डेवलप की हुई है और ये रेसिपी अभी भी मैं खुद ही बनाता हूँ पर्सनली, और ये रेसिपी अभी तक किसी से शेयर नहीं हुई और कोई भी ऑथोराइज नहीं है इसको डेवलप करने के लिए। Okay, there are only three people who know about the recipe, myself, my brother and my wife. ये रेसिपी मेरे अलावा मेरी वाइफ, मदर, फादर, हम लोग फैमिली के अलावा ये किसी को भी रेसिपी नहीं पता है, ये बिल्कुल ही लॉक है भाई जान। ये तो हम लोग को सिर्फ मालूम है कि हम बनाने वाले हैं, किसी को पता नहीं है ना, किसी को हम लोग ये फार्मूला देते हैं। कराची में वाकई ये दो बर्गर कालाजर में एक मिर्ची वाला बनका बराबर में, यह काम लोग है इस काम को, और पूरा कराची में मिर्ची वाला बनका आप कहीं पर भी नहीं मिलते ना किसी को पता है। हमारा आइटम जो है ना सबसे अलग है, पिशौरी बनकवा। हमारे बर्गर्स की जो रेसिपीज वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स बट उसकी जो टेक्निक है उसको जिस तरह बनाना है वो इतनी आसान नहीं है, उसके लिए हमने एक स्मैशर खास बनाया है। असल में मेरी बहन जो है ना वो खुद भी जो है ना मेरी बहन वो यूँ समझ लो कैंटीन का काम कर चुकी है। अभी मेरी बहन को अवार्ड मिला था कैंटीन में नाजमाबाद में, वहाँ हुआ था कॉम्पिटिशन समझे। मेरी बहन कैंटीन चलाती है, बड़ी बहन है मेरी, गार्डन में रहती है समझे, उसको फर्स्ट प्राइज मिला था समझे। समझ गए, कैंटीन का काम वो बहुत अच्छा करती है, सालन वगैरह ये वो, कुछ हेल्प मैंने उससे भी ली समझे, कुछ मेरी भी थी समझ गए। फिर ऐसे करके जो है ना हमने चटनी को ओके किया ना, अब ये है कि मेरी चटनी मशहूर है और जितना माल मेरा बिकता है चटनी के ऊपर ही बिकता है। जो मैं बन के वहाँ खा रहा हूँ सारे पहले समझ लो चटनी के जायका है इसका, चटनी में सही है सही है। हाँ ऐसा कई बार चटनी ऐसी होती है दिखाई है कहीं से, एक समोसे वाला है हमारे यहाँ उसकी चटनी बिना समोसे का मज़ा ही नहीं आता। हमारे यहाँ भी हमारे ऑफिस के भी एक है वो बनाता है, इनकी तो टिक्की में जादू है कुछ बर्गर और क्लॉक, जो जितनी चीज़ डालनी है ना समझे मैं अपने अंदाजे से डालता हूँ। और उसमें आई यूज डिजिटल वेइंग स्केल टू एक्चुअली मेजर द ग्राम द माइन्यूट ग्राम्स ऑफ द रेसिपी, so that is the reason why it remains consistent. ye to mashallah hum log ka wahi ek hi kaligaru mein khud banata hu isko, haath ka hamara khud kaanta hai, hamare hisab mein kaante manti nahi chalte, allah ko shukr hai kabab ye do banate hai dono ek wazan ke,
ज़रा से भी ऊपर नीचे नहीं है, एक ही जायका है, दुनिया ने खाया हुआ है, दुनिया आप भी खा रही है। इंशाल्लाह जो भी कार हम लोग वही बोलते हैं कि हमारे को बचपन याद आ रहा है। लोग यहाँ रहते थे, यहाँ से कहीं कहीं चले गए, वहाँ से फिर जब दोबारा आते खाने के लिए, फिर भी हम लोग को यही बोलते हैं कि माशाल्लाह वही जायका है, वही काम है, कोई चीज़ का तब्दीली नहीं आया है। अल्लाह का बड़ा मेरा ठेला जो है, ये आप यूँ समझ लें कि आगा खान की जो है ना बिल्कुल बैक साइड पे, आगा खान हॉस्पिटल के बैक साइड पे सामने सब्जी मंडी, दो नंबर का स्टाफ मशहूर है, समझे, इस जगह पे है। समझ गए। और मेरा नाम जुल्फिकार है, और ठेले का अगर आप नाम पूछोगे तो यूँ आप समझोगे मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है, समझे, लोग सब जानते हैं, समझे, बगैर नाम का ठेला है, बेनाम ठेला, समझे, नाम भी नहीं रखा है, मतलब ठेले का कोई नाम नहीं है। ऐसे भी है भाई, कराची व्हाट अ सिटी यार, मुंबई लग रहा है मुझे तो पूरा, इसी पासपोर्ट पे बड़ा सा शहर। ये अंकल स्टार्टिंग में आदमी सरकार के मोहब्बत में आपको बनकाव खेला, मना मत करना, नहीं 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 नहीं, आपसे कोई लालच नहीं, मेरे को आपसे को मैं ये लालच नहीं, आप आशी के रसूल है, सरकार के चाहने वाले, क्योंकि ये नहीं मेरे पे क्या शुरू, आशी के रसूल क्या बात है, बोलिए इस बात पे बंद क्या आप सरकार के चाहने वाले। टू बी कंटिन्यूड अभी और बाकी है विद सिद्दीक बन कबाब के प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर वाओ यार, इज इट डन, डायरेक्टर फंक्शन है जो, स्पेशल थैंक्स टू फॉर लेटिंग अस शेयर दिस इंस्पिरिंग स्टोरी। दरुद शरीफ पढ़ के निकलते बिस्मिल्लाह तबक्कल तो अल्लाह जाओ, मैं कुछ करता नहीं, मेरी कोशिश है कि जरा खुश हो, फिर भर के क्या पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, माफ करना भाई, हिकमत है पता क्या बात, शासा फरमाते क्या क्या हिकमत क्या है कि तू जन्नत में घूम रहा, मैं सबको माफ कर देता हूँ। और अल्लाह पाक ये बन कबाब तो ज़रूर खाना, आप सिद्दीक बन कबाब अगर नहीं खाया तो फिर क्या खाया, वीडियो बहुत नेक इंसान की दुकान से बन कबाब नहीं खाओगे तो फिर कहाँ से खाओगे। द स्टोरी ऑफ कराची बर्गर, कराची में बर्गर कैसे आया, मतलब वो बर्गर और क्लॉक वाले लेकर आए कराची में बर्गर, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सबकी अपनी अपनी एक रेसिपी है, ये होता भी है कि सबका अपना कुछ स्पेशल होता है, किसी का 30 साल पुराना है, किसी का 60 साल पुराना हाँ। शॉप है और अपनी रेसिपी को चेंज किया लेकिन स्वाद बरकरार वही रखा, वो वैसे ही लिख के भी रखते बहुत से लोग सिंस 1974 इसीलिए ताकि लोगों को वही स्वाद चाहिए होता है कि नहीं हमने वहाँ वो खाया था वही हमें चाहिए, राइट, वहाँ जो खाया था वही हमें चाहिए। लाइक अब याद है लेटन चौराहे पे आलू की कचौड़ियाँ मिलती थी, अगर तुझे याद हो तो, वहाँ पर चटनी डालते थे, वो चटनी और प्याज का सा चूमा बना के डालता था, रियल में उस चटनी के चक्कर में वो आलू की कचौड़ी पूरी खिल जाती थी यार, सच में बहुत मज़ेदार चीज़ थी वो, और ऐसा था कि जैसे वो उतरते थे ना, जैसे घान उतरता है मतलब पहले से नंबरिंग लगी रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी सड़क पे और पुलिस वाले भगाते थे, निकलो ऐसे चौराहे के पास में थी उसकी दुकान, बहुत प्रॉब्लम होती थी, बंदे ने बेचारे ने शॉप शिफ्ट कर दी, अब तो पता नहीं कहाँ चले गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी सही बताई कि जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है जैसे KFC हो गई या फिर मैकडोनल्ड्स हो गई, बर्गर स्पेशल, सबवे हो गया, ये बर्गर स्पेशल ही है जो भी बर्गर की हाँ, बाकी इनको जो है अपने इंटरनेशनल वाली रेसिपी के हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ भी देसी टच नहीं ला सकते हैं। हाँ, जो भी इंटरनेशनल जो भी बर्गर की चेन है, मान के चलो कोई भी चेन चल रही है, KFC हो या बर्गर किंग हो, या यहाँ पर जो लोकल शॉप रहती है वो देसी टच लेकर आते हैं, उसमें लोकल शॉप जिसने अपना खुद का ही अपना शॉप खोला है और अपने ही नाम पे किसी की चैन नहीं चला रहा, वो अपना टच कुछ भी डाल सकता है उसमें, वो उनकी खुद की टिक्की बनाते हैं खुद का, बहुत से बटर भी बना लेते हैं खुद का, और अलग अलग टाइप के बटर भी होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, बहुत डालते भी हैं। अगर आपकी रेसिपी चल जाती है ना तो समझ लो वारे न्यारे हो गए। एक हमारे यहाँ एक वो चल रहा है अभी चाय सुट्टा वार, मतलब वहाँ पर उसके यहाँ 10 रुपये की चाय मिलती है, लेकिन उसकी फ्रेंचाइजी आज इतने लोगों ने खरीदी, और जितने लोगों ने भी खरीदी ना चाय की पत्ती ना वो उसके यहाँ से लेते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी खोलने से कुछ नहीं होता, टेस्ट वही देना पड़ेगा आपको, तभी आपके वहाँ कस्टमर आएंगे आपके नाम से। तो उसका एक ये रूल है कि अगर आप मेरे फ्रेंचाइजीज ले रहे हो तो
जो चाय पत्ती जो है जो मैं बनाता हूँ वही लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो मतलब कुछ मिक्सर रहता है चाय पत्ती में, वो कुछ फ्लेवर्स पता नहीं क्या सबका कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है। इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी देखी मैंने जो मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं अवेलेबल होगी, क्योंकि इन्होंने तो जो बताई है वो इनका खुद का ही इन्वेंशन है। सही बात है। तो पर एक चीज़ है, अगर कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल है आज इस दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो वो है फूड। फूड और उसमें आपका खुद का कुछ ना कुछ ऐसा ओरिजिनल हो, जिसने भी अपना ओरिजिनल, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आए, जिसने अपना खुद का प्रोड्यूस कराया है कुछ कुछ भी फूड में, और वो अगर लोगों को एक बार चढ़ गया जबाँ पे, तो याद रहो वो फूड वाला फेमस होने ही होना है किसी भी हालत में आपका बिजनेस सक्सेसफुल। वो पाकिस्तान में देखा है मैंने, कराची में स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फेमस है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कराची स्ट्रीट फूड के अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इतने वीडियो मिल जाएंगे कि देख देख के थक जाओगे, वीडियो ख़त्म नहीं होंगे। बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में इंदौर ही ऐसी जगह वाहिद जगह है जहाँ पे स्ट्रीट फूड्स की भरमार है। राइट, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का फास्ट फूड स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिल जाएगा आपको इंदौर में। राइट, और अगर नॉनवेज की बात करें तो इंदौर में एक एरिया है खजराना। राइट, उस एरिया का तो लगभग यही मान के चलो कि छोटा पाकिस्तान कहा जाता था एक टाइम पर, खेला तो नहीं लेकिन कहा जाता था एक टाइम पर, तो पूरा माहौल ही ऐसा था वहाँ पर। अगर वहाँ के मार्केट पूरे देखो तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान है, यहाँ तक कि कराची टू पाकिस्तान जो इंडियन मूवी थी उसका शूट भी उसी एरिया में हुआ, ताकि फील आए कि पाकिस्तान है। कराची टू पाकिस्तान एक मूवी थी अरशद वारसी की, उसकी शूटिंग उसी एरिया में हुई थी, ताकि ऐसा लगे कि खजराना मतलब पाकिस्तान में ही मूवी बनी है। सो इट जस्ट अमेजिंग, बहुत फीलिंग आती है यहाँ पर भी ऐसी। नहीं मतलब हम जैसे ये वीडियोस देखते हैं ना, जैसे पेशावर की गलियां होगी, लाहौर की गलियां होगी, तो वो देखकर ऐसा लगता है कि खजराना है अपना। पूरी फीलिंग आ जाती है, और सच में खाने की ये खाना देखता हूँ ना तो खुशबू आ जाती है मुझे खजराना से। मैं भी आता हूँ तो खजराना से जब आता हूँ ना तो खुशबू आती है जो खाने की, कसम से वो मार डालती है खुशबू, मन करता बस यहीं रुक जाओ। तो पता नहीं अजी ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती यहाँ भी जो कभी खाई नहीं होती है। बट अगर आपको इसमें फूड लाइन में सक्सेस होना है तो सही है, एक तो टेस्ट आपका परमानेंट एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज ये अच्छा लिया और कल हम डबल से वही चीज़ लेने गए तो फिर अच्छा नहीं बना हो। यही चीज़ गड़बड़ कर देती है कि आज गए कल, जैसे कि एक चिकन शॉप, हमारी दोनों की फेवरेट चिकन शॉप है, क्या होता है कि वो उसका चिकन बहुत शानदार है लेकिन क्या होता है नमक तेज कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन टेस्ट फिर भी बढ़िया रहता है, लेकिन ज़्यादा नमक खाने वाले को प्रॉब्लम नहीं करता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती नहीं है। हमको जो है ना नमक एकदम नॉर्मल चाहिए, तो वो चीज़ है, लेकिन टेस्ट तो बढ़िया है इसका, टेस्ट बहुत अच्छा है। बटर चिकन तवे पे बनाता है, मतलब मज़ा आ जाता है बहुत सी चीज़ें यार जो हर चीज़ यहाँ पर हम सोच रहे हैं। एक वाहिद इंसान है जो अलग है, सबसे सब लोग सबसे अलग है, सबसे अलग है ना, सबसे जुदा, अलग चीज़ें, अलग चीज़ चलती है, अलग चीज़ें चलती है, और उसका भी ऐसा ही है जैसा इनका एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है वैसा है उसके पास भी है। में उसका कंपटीशन देने के लिए एक बंदे ने खोल रखा है लेकिन उसका चल ही नहीं रहा है। बट उसके यहाँ पर ना लोग ऑडी मतलब बड़े बड़े करोड़पति लोग आते हैं उसके यहाँ, कैसा भी बना है वो एकदम बनियान पहना रहता है लेकिन लोग टेस्ट देखते हैं, ये भले उसके पसीने से खारा हो जाता होगा लेकिन लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, साफ सुथरा बनाता है। पर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हमें, और इसके बारे में भी हमने बहुत कुछ बोला है, आपने सुना ही होगा, और हमने अपनी भी थोड़ी सी बात कर ली। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी, और रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।